आज नैनीताल में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगा। रवि विजय कुमार मलिमथ की खंडपीठ सुनवाई करेगी। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच को लेकर दायर की गई थी याचिका। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र ने दायर की है जनहित याचिका। रविंद्र जुगरान ने दायर की है जनहित याचिका। देहरादून निवासी है रविंद्र जुगरान, उन्होंने याचिका जो है वो दाखिल की थी और उसको लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज की सुनवाई बेहद खास। प्रदेश का बहुचर्चित ये मामला रहा है, छात्रवृत्ति घोटाला मामला। और ज्यादा जानकारी के साथ गौरव जोशी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। गौरव, आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी पूजा, देखिए प्रदेश का बहुत चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला मामला है, जिसको लेकर जो राज्य आंदोलनकारी हैं रविंद्र जुगरान, इनको इन द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें रविंद्र जुगरान ने कहा है कि SC ST समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति लाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं को वजीफा नहीं बांटा गया है, जो बड़ा घोटाला है, करीब 500 करोड़ से अधिक का घोटाला है, जिसके बाद तत्कालीन जो सरकार थी उसके द्वारा इसमें SIT का गठन किया गया, लेकिन SIT के द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद रविंद्र जुगरान एक बार फिर हाईकोर्ट आया और उनके द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा SIT गठित तो की गई है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उसके बाद से लगातार मामले में सुनवाई चल रही है और आज एक बार फिर से मामला सुनवाई में लगा है और लगातार SIT के द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जवाब भी दिए गए। लगभग 80% जो जांच है SIT के द्वारा जो चल रही है वो पूरी भी कर ली गई है। तो उसी इन्हीं जो SIT जांच कर रही है, क्या उनके द्वारा दोषियों पर कार्रवाई की गई है, कितने लोग हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।